अगर हमारे को हमारे 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 सवाल हक में सवाल करना है तो इस तरह हमारे साथ रवैया हो रहा। हमारी कम्युनिटी की मीटिंग में जैसा हमारे पुलिस को बुला के हमारे साथ हमेशा इसी तरह से रूल हो रहा। हम हमारे सदर से सवाल कर रहे थे लेकिन हमारे पुलिस आके मुदा तेलंगाना के जमीतुल कुरैश प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम के ऊपर उन्हीं की कमेटी के लोगों ने लगाए कुछ इल्ज़ाम और उनसे नाराज़गी का इजहार करते हुए बयान दिया। जहां पर कुछ बात के लिए कहा सुनी बढ़ गई उस वक्त पुलिस को मदाखलत करने की भी ज़रूरत पड़ी। तेलंगाना जमीतुल कुरैश के यूथ लीडर ने सामने आते हुए कुछ बयान दिया, आइए सुनते हैं मज़ीद तफ़सीलात उन्हीं की ज़ुबान। अब हमारी कम्युनिटी के इशूज़ हल करना या नहीं करना हमारे कम्युनिटी के इशूज़? अब हमारे को बुला रहे पुलिस से डरा रहे, हर बार ये जो रहा हमारी कम्युनिटी पे। सदर सलीम साहब पिछले दो साल से हम आवाम के बीच में बुला रहे हैं, इतने की हमारे मसाइले दरख्वास्त दे रहे हैं आवाम में लेकिन आ रहे ही नहीं, ना हमारे मसाइल हल कर रहे हैं, या पुलिस से कम्प्लेन कर रहे हैं, टास्क फोर्स में हमारे कम्प्लेन कर रहे हैं, हमारे कुछ जैसो ऐसा बुक करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कम्युनिटी का मैटर है, मिलाद उन नबी की दावत है, सलीम साहब आए हम आवाम में सवाल कर रहे हैं। हम अभी अभी हमारी कम्युनिटी की प्राइवेट जगह पे पुलिस का क्या काम है? सलीम साहब हमेशा पुलिस को ला रहे हैं, जमात खाने में देखे जब पुलिस को लेके आ रही, दावत में पुलिस को ला रही, मौताओं में पुलिस को ला रही, हम कायम ना क्रिमिनल है, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं कौन कुरैशी के लोग, हम क्रिमिनल है, हम नौजवान जैसे अब ये चीज़ के ऊपर हकैक के ऊपर सवाल कर रहे हैं। सलीम साहब लेकिन इतना जुल्म कर दे रहे हैं हमारे ऊपर, कैसे हम करा दे रहे हैं हमारे ऊपर, आज क्या हुआ यहाँ पे, हम क्या करें? अब पूरा वीडियोग्राफी है, जब तक हम कोई एक भी जैसे गैर कानूनी काम नहीं करे अब देखेंगे ना सलीम साहब इसके ऊपर पुलिस केस बुक कराते क्या सबके सामने आ जाएगा। हम तो कोई काम नहीं करे, हमारे सदर से हम बात कर रहे थे, सवाल रख रहे थे, मुतालिबा हमारे कुरैशियों का आज तक हमारी कोई पैरवी नहीं हो रही। हमारी हम BCE कैटेगरी में आते, हम जैसे आज तक हुकूमत से एक भी चीज़ हासिल नहीं करे, हमारी रिप्रेजेंटेशन हुकूमत में नहीं करे आज तक। हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन करो, हम बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड से बेवाओं को पैसे देते हमारी कम्युनिटी के लोगों को दिलाओ, हमारे जो भी स्कीम आता है हमारी कम्युनिटी के लोगों को दिलाओ। हम बैकवर्ड क्लास में आते, BCE में आते, हम ये तमाम चीज़ें रख रही। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आप TLS के मेन लीडर है तो आप ये कई गुने कर रहे हैं ये चीज़ हल। हम यहाँ आवाम में जैसे कितने मसाले लो आप जो देख सकते हैं, हर आए दिन हमारे साथ में क्या नाइंसाफी हो रही, हमारा माल लूट लिया जा रहा है क्रुएल्टी के नाम पे, दौरेशक के नाम पे, लेकिन क्या हो रहा? हम बोल रहे हैं हल करो हमारे मसाइल, कोई हल करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। हम यही बात कर रहे हैं दो साल से, हम दरख्वास्त दे के बुला रहे हैं, कौन आ रहा है यहाँ पे? अब आए यहाँ पे लड़ने के रास्ते जैसे लड़ने को आ रही, पुलिस वालों से हमको उठा लो बोलने को आ रही। हमारा जुर्म कुछ भी नहीं है, ना हम कोई क्रिमिनल है, आज तक मैं 37 साल का हूँ एक भी केस FIR नहीं हुई थी। हम हक पे सवाल उठाए से मेरे ऊपर कैसा बुक करा रहे हैं सलीम साहब? मैं हमारे MIM के सदर साहब से अपील करता हूँ, हमारे असद साहब, अकबर साहब और MIM के तमाम कारकुन से, हमारे को ये जुल्म से बचाइए आप लोग। हम तो हमारा हक जो करना है काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रही, लेकिन इन्होंने इनका पॉलिटिकल का मिसयूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर का, पुलिस का। आप लोग खाली हमारी अपील ये है, आप लोग ये पुलिस टास्क फोर्स से हमारी हेल्प करिए, इन्होंने जो मिसयूज कर रहे हैं इनका पॉलिटिकल पावर्स भाई का। हम हमारे हक पर लड़ लेते हैं, हम नौजवान पूरे मिलकर लड़ लेते हैं। हम